राहुल गांधी को पुराना सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है तो करने पर सच बेधड़क के सवाल पर कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। घर दोबारा मिल गया सर, कितनी खुशी। सर क्या कहना चाहेंगे अपने आवास के लिए? सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? आपको आपका आवास मिल गया वापस, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप सर मणिपुर में क्या बोलेंगे आप लोग? घर दोबारा मिल गया सर, कितनी खुशी। सर क्या कहना चाहेंगे अपने आवास के लिए? सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? आपको आपका आवास मिल गया वापस, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप सर मणिपुर में क्या बोलेंगे आप लोग? आपको आपका आवास मिल गया वापस, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप सर मणिपुर में क्या बोलेंगे आप लोग? आपको आपका आवास मिल गया वापस, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप सर मणिपुर में क्या बोलेंगे आप लोग? आपको आपका आवास मिल गया वापस, सर क्या कहना चाहेंगे? कनिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। कनिका, राहुल गांधी को उनका आवास वापस मिल चुका है और भी देखिए आपने जब उनसे बातचीत की उन्होंने कहा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सर इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल जैसे ही राहुल गांधी संसद से बाहर निकले और AIC दफ्तर पहुंचे तो राहुल गांधी ने सच बेधड़क के सवाल का जवाब दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आपको आपका पुराना आवास दोबारा से मिल गया है तो क्या कहना चाहेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही बयान कहा, एक ही लाइन में कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। केवल एक बार तुम्हारा क्लेम मेरा घर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बड़ा बयान बताता है कि राहुल गांधी लगातार जो है इस तरह की बातें जो है कहते आए और आज जो है उन्होंने यही बात रखी कि मेरा घर केवल एक घर नहीं है बल्कि पूरा हिंदुस्तान जो है मेरा घर है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और सच बेधड़क के सवाल पे उन्होंने आज जवाब दिया और कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। बिल्कुल, देखिए कनिका, पूरे राहुल गांधी हो चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी हो, जिस दिन ये पता चला था कि जो उनकी सदस्यता है और जो मानहानि केस में उनकी उस सजा पर रोक लग गई उस दिन से ही देखिए जश्न मनाया गया था अब उनकी बीते दिन सदस्यता वापस आ गई है तो ये भी अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। देखिए हिमाचल बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी के हम पिछले घटनाक्रम की बात करते हैं जिस तरह से राहुल गांधी को सजा मिली उसके बाद सदस्यता रद्द की गई उसके बाद उनका घर छीन लिया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है एक कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब हो गया था, उनका जो मनोबल है वो टूट गया था। लेकिन जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली उसके बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता को वापस ले लिया गया उसके बाद वो पार्लियामेंट गए और आज उनको उनका पुराना बंगला वापस मिल गया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक खुशी का माहौल, एक खुशी की बात है। हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से लोगों ने जो है सेलिब्रेशन किया, मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ जो है राहुल गांधी की सदस्यता को जो है सेलिब्रेट किया गया और आज राहुल गांधी का सरकारी आवास जो है उनको वापस मिल गया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब सरकारी आवास खाली कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 19 साल मैं इस आवास में रहा और 19 साल बाद जनता ने, देश जनता ने ये मुझे घर सौंपा था और राहुल गांधी ने तब भी ये कहा था कि आज जनता ही मुझसे घर ले रही है और एक दिन आएगा जब न्याय की जीत होगी और मुझे घर वापस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो बयान कनिका बिल्कुल देखिए जो आपने जो आपने मनोबल की बात कही अब कहीं ना कहीं इस मानहानि केस पे जो सजा की रोक थी उसके बाद अब घर वापसी एक एक करके मतलब जो स्टेप बाय सब कुछ मिल रहा है उससे अब कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो एक अब चुनाव भी आने वाले हैं चाहे वो 2023 के हम पांचों राज्यों विधानसभा चुनाव माने या 2024 के लोकसभा चुनाव माने एक अच्छा कमबैक कांग्रेस पार्टी की ओर से होगा। देखिए बिल्कुल ही माधुरी साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से राहुल गांधी को जो है सब मिल गई है उसके बाद आवाज मिल गया और वहीं दूसरी और आज लोकसभा में राहुल गांधी गए बैठे विश्वास प्रताप की चर्चा में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ गया है, एक कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस पार्टी का बूस्टअप हो गया है और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में आप देखना कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है सक्रियता से चुनाव लड़ेगी और 2024 का मुकाबला भी इंडिया वर्सेज जो NDA का है उसमें कांग्रेस पार्टी का एक अलग भूमिका के तौर पर दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अभी कुछ दिनों से बात करें हिमाचल और कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद बात करें तो लगातार हमलावर है और पार्टी में एक नया मोड़, एक नया रुख आता है। बिल्कुल कनिका, देखिए ये तो बात हो गई, देखिए जो आवास सरकारी आवास वापस आवंटित हो गया वापस मिल गया उस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब आज अगर हम दूसरी ओर बात करें जब लोकसभा की कार्यवाही चली तो देखिए राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला और ये भी खबरें आई कि जब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे जब ही राहुल गांधी बोलेंगे।
देखिए बिल्कुल सुबह की रणनीति की बात की जाए तो यही रणनीति बनाई गई थी कि राहुल गांधी आत्मविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम नेता है और वही इंडिया अलायंस के नेता है उन्होंने ये तारीख की बताई कि जिस दिन प्रधानमंत्री 10 तारीख को जो है बोलेंगे जो संसद के अंदर 4 बजे उससे पहले राहुल गांधी का भाषण जो है वहां पे रखा जाएगा, राहुल गांधी आत्मविश्वास प्रस्ताव पर बात करेंगे। लेकिन इस बात की सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 10 तारीख को राहुल गांधी जो है लगभग 2 बजे दोपहर में जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे और देखना यह महत्वपूर्ण होगा हिमाद्री कि अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह से राहुल गांधी मणिपुर का जिक्र करेंगे क्योंकि राहुल गांधी खुद मणिपुर जा चुके हैं, वहां का दौरा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन बातों का उल्लेख किस तरह राहुल गांधी करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल देखिए कनिका, 10 अगस्त की देखने वाली बात होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे और राहुल गांधी भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से जब एक एक स्टेप वाइज जब सब कुछ वापसी हुई, चाहे वो हम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, सजा पे रोक माने, उसके बाद जब बीते दिन उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो गई, अब उसके बाद आज जो आवास है वो आवंटित कर दिया गया, तो अपने आप में ये एक बड़ा प्रोसीजर हो गया और उसके बाद खुशी की लहर, जश्न का माहौल कांग्रेस मुख्यालय में भी और साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं में भी देखने को मिला। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, राहुल गांधी जाएंगे वायनाड 12 और 13 अगस्त को रहेंगे वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, संसद सदस्यता बहाली के बाद पहली बार वायनाड राहुल गांधी जाएंगे, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। उनका जो सरकारी आवास है वो भी उनको मिल गया है और धीरे धीरे एक प्रोसीजर के हम उससे कहें कि जितनी जल्दी उनकी जो सांसदी थी जो गई थी वो उसकी वापसी भी हो गई है, चाहे वो सरकारी आवास की बात करें उनको वापस मिल गया है और अब पहली बार संसद सदस्यता बहाली के बाद पहली बार वो वायनाड जाएंगे जहां से वो सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी जिस दिन उस दिन की हम अगर 3-4 दिन हम पहले अगर जाएं तो देखिए राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट का मानहानि केस में फैसला आया था, तो चाहे हम AICC मुख्यालय की बात करें, अलग अलग राज्यों में बात करें, कांग्रेस मुख्यालयों पे एक जश्न का माहौल था, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल था कि सजा पे रोक लग गई है, सत्य की जीत हुई है, अलग अलग ट्वीट कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे थे और उसके बाद बीते दिन जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई तो उसमें भी राहुल गांधी की खुशी और यही ट्वीट आए कांग्रेस नेताओं की ओर से कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। और साथ ही साथ जब आज लोकसभा कार्यवाही रही तो ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे, जो अविश्वास प्रस्ताव प्रधान मोदी सरकार के खिलाफ लाया जा रहा है उस पे बोलेंगे राहुल गांधी, तो वो भी नहीं हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बोलेंगे जब ही राहुल गांधी बोलेंगे और 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे जहां से वो सांसद है और सदस्यता बहाली के बाद पहली बार वो वायनाड जाएंगे 12 और 13 अगस्त को, ये दौरा 2 दिन का वायनाड का सांसद राहुल गांधी का।